पेज का नाम क्या रहता है? एक शामिला ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी में हूँ, इस्लाम मेडिकल कॉलेज। तो आज यहाँ पे फूड फेस्ट 2030 है, तो आज उसे जो है ना कवर करते हैं। अभी थोड़ी देर में उसकी इनॉग्रेशन है, फिर आपको अंदर के सीन्स दिखाते हैं जो भी चीज़ है। बाहर से सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये मैं बार बार अपनी फैकल्टी मेंबर के सामने भी अर्ज करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और आप लोगों ने साथ दिया, रीजन है कि आपकी यूनिवर्सिटी विद इन 5 इयर्स शुड बी टॉप 10 इन पाकिस्तान, टॉप 10। और मैं जब भी कोई काम करना है उसको उस तरीके से करें कि देखने वाले के दिल को ये पता चले कि यार ये कोई इंस्टीट्यूशन है, इसका कोई विजन है इस दुनिया में। तो अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू कि अपने आप का ख्याल रखें, अपनी तालीम का ख्याल रखें, इस इवेंट को फुल एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। जी, तो अभी चेयरमैन साहब की स्पीच की सुन लिया आपने, तो अभी वो स्टॉल्स का चक्कर लगाएंगे, साथ साथ स्टॉल्स हम भी आपको दिखाते हैं और उनके रिव्यूज भी दिखाते हैं। तो देखते हैं साथ साथ स्टॉल्स के ऊपर प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो चले आए, चलते हैं और साथ देखते हैं क्या सीन्स हैं पूरे स्टॉल के। तो बाकी इसके अलावा भी आपको एक ओवरव्यू जो है ना वो सारे पंडाल का दे देंगे। हमारे सब को चेक करें, क्या बनाया आपने? इवेंट में मिठास भरने के लिए हमारे पास कुछ पेस्ट्रीज है। बायोसाइंसेज में है और ये कमर्शियल भी चला रही है ये बच्ची। मैं कहने वाला था कि आप बेटे दुकान भी करें, कमर्शियल भी चला रही है। ब्राउन ही है? यस सर। कितनी कीमत रखी है सर इसकी? 80। कितने पड़ती है आपकी? कितने पड़ती है? मुझे पड़ती है ये 40। और आपने एक शामिला ही। पैसे बनाया?
पहले बनाती हुई बेचती भी पहली बार क्या बात है क्या कहते हैं पिज्जा स्लाइडर पिज्जा पिज्जा ब्राउनी घर बनाया क्या कैसे भी है क्या की पर रखी है सही ट्राई करें आप ट्राई करें सही भी होंगे अभी बनाया या बनाकर करें सर अभी बनाया खुद बनाया जी तो अभी मैं ना स्टॉल्स पे घूम रहा था तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा टेस्टी ट्रीट्स बाय ज़ैनब तो वहाँ पे मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई कि वो जितना सामान उनके पास डोनट्स ब्राउनीज और पेस्ट्रीज थी वो सारी उनकी अपनी होममेड थी और वो एज ए स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अपना छोटा सा स्टार्टअप भी रंगे रही है तो ये चीज काफी अट्रैक्टिव थी मेरे लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू ले लेते हैं साथ जो कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल होगा जी अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका जैनब्रीमा तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे सोचा है कि एक अपना जो काम है स्टडी के साथ साथ शुरू किया जाए क्योंकि मुझे शौक था इस चीज का तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट टू डू अ बिजनेस इन इट अच्छा जी और कहां से ये ख्याल आया कि मुझे कुकिंग ही करनी चाहिए बस मुझे शौक था मीठा खाने का शौक था उससे बस मेरा दिल किया देखने और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप मैनेज कैसे करते हैं अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी करना चाहें तो वो मैनेज कैसे करेंगे इस चीज को स्टडी को अपनी जगह रखें और इसको अपनी जगह रखें जब आपके कोई एग्जाम्स आ रहे हैं कुछ भी आप उस टाइम में इस चीज को रोक दें और अदरवाइज आप करते रहे टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग आप मंथली बताना चाहेंगी अगर इफ पॉसिबल नहीं चले ठीक हो गया बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज ठीक है इतने स्लो शेफ लेमन पाउडर यूज कर रहे हैं नहीं लेमन तो डालो शाबाश बस बस कितने का कौन 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 सा जी तो नाउ इट्स टाइम टू साइनिंग आउट फ्रॉम ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट तो आज की वीडियो में इतना ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने भाई अच्छाम को दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद